केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग गांव की सरकार की ओर बढ़े हैं। गांव की सरकार का कार्यक्रम कहिए मुखिया जी, हमने भागलपुर जिला से इसकी शुरुआत की। भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में पहुंचे हैं कहिए मुखिया जी के खास प्रोग्राम में। हमारे साथ फरका पंचायत के मुखिया जी, मुखिया जी से जानेंगे क्या क्या कार्य यानी कि पंचवर्षीय योजना में इन्होंने महत्वपूर्ण किए। ग्राम पंचायत फरका से बोल रहे हैं मुखिया जी। हमने 14वीं 15वीं 20 7 नीचे से वार्ड नंबर से मिलकर के नल जल का काम किया, गली नली का काम किया है। फिर दो फरका घुसपुर के सामने गेट बनवाए हैं। फिर एक इंग्लिश पंचायत, कितने सड़क का निर्माण हुआ होगा? लगभग 4-5 सड़क हुआ मात्र 5 साल। हाँ, पैसा नहीं था, पैसा का अभाव में कोई काम नहीं हो रहा। नाला की क्या संख्या होगी? नाला में 2-3 को संख्या है। नाला भी पुल पुलिया। हाँ, पुलिया भी एक बनाए हैं। इसके अलावा और कार्य? और कार्य तो मनरेगा से कराए, तो मनरेगा वाला तो कोई उसमें पैसा लटका है, उसमें पैसा भी मैंने जो उसके नाम से गया वही रख लिया। ऐसा मैंने हम लोग काम किए हैं और जनता को सेवा किए। आवास कितने बने हैं? आवास 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 नहीं बना है, एक भी आवास नहीं। नहीं, आवास नहीं। 5 साल में एक भी आवास पास नहीं, आवास नहीं बना। इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार? इसके लिए तो पैसा है ही नहीं, तो आवास कहाँ से बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना सेंक्शन ही नहीं हुआ? नहीं हुआ। पेंशन? पेंशन योजना चल रहा है, पेंशन तो सबको लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। कितना पेंशन आप पास कराए होंगे? हाँ, करीब करीब 200-300 पास कराए होंगे। नल जल योजना से कितने वार्ड में नल जल और जल मीनार लगा? करीब करीब हम समझते हैं कि 5-6 में लग गया है। 6 वार्ड में। मुख्यमंत्री जी का जल नल योजना महत्वपूर्ण योजना है, कहते हैं 100% सक्सेस है, तो आपके यहाँ 6 ही क्यों लगा? मैंने वो काम चल रहा है अभी। काम अभी चालू है? काम चालू है। इसके अलावा और कुछ कार्य, पंचायत भवन सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन कुछ बनाए होंगे आप? नहीं, ये सब काम तो अभी नहीं हुआ है। मैंने पैसे नहीं, तो पैसा का अभाव में क्या काम हुआ है? पैसे का अभाव। आपकी पंचायत की समस्या क्या है, मुख्य समस्या? मुख्य समस्या है कि मैंने हम लोग गंगा के किनारे पर हैं। अभी यहाँ जो है तो रिंग बांध की जरूरी है, न तो इंग्लिश फरका घुसपुरी ये गाँव कटने वाला है। यहाँ का एक प्राथमिक विद्यालय था, वो भी कट के गंगा में समाहित हो गया। हम लोग की गंगे की जी बहुत तबाह कर रही है, और हम लोग के एकदम किनार पर घर है। अब तब है कि गंगा जी में कब विलीन हो जाएगा। तो हजारों एकड़ जमीन गंगा में कट करके इंग्लिश फरका के किसानों के चला गया। और यहाँ अब गाँव पर भी मैंने जोर है गंगा जी का, लहर है। कभी कभी ऐसा कटाव उठता है कि अब मैंने यहाँ का आदमी बहुत डर जाता है। और यहाँ रिंग बांध का बहुत आवश्यकता है, इसी रिंग बांध नहीं होने से गांव भी कट सकता है। रिंग बांध इसके लिए कभी आपने विधायक को बोला है? हाँ, हमने विधायक से भी बोला है, एमपी से भी बोला है, सब ने बोला है, सब ने आश्वासन दिया कि हम लोग लगे हुए हैं और काम करवाएंगे। सत्य तो अभी जो नया विधायक जीते हैं नाथनगर से, उनको हम 3 बार बोले हैं, तो बोले कि नहीं, हम मुखिया जी कराएंगे से अभी हम। इसके बाद आपके पंचायत में कितने वार्ड की संख्या है? 11 वार्ड में क्या आंगनबाड़ी केंद्र को अपना भवन उपलब्ध है? आंगनबाड़ी कम से कम तो हाँ, 3 उपलब्ध है। 3 को ही? हाँ। और 8 को नहीं है? नहीं। इसके अलावा डीलर की क्या समस्या है आम पब्लिक की? डीलर के तो बहुत समस्या, जिसका राशन कार्ड भी है उसका भी वो राशन नहीं देता है। ये तो डीलर तो बहुत अन्याय करता है। डीलर की मनमानी चरम, मनमानी चरम सीमा। आपने इसके लिए कभी? हम बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं नहीं मुखिया जी से हम दे रहे हैं, बाकी जनता को हम एमओ से भी ले,
तो एमओ साहब बोले कि अब तो इसका राशन कार्ड का समय मैंने 17-18 था, वो इसका पूरा हो गया, अब नया बनवाइए। डीलर की मनमानी चल रहा है, डीलर का मनमानी चल रहा है। इस बार पुनः चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या कहेंगे? जनता को जो हम सेवा किया है वो उस आधा से हम कहते हैं कि मेरे जनता पक्ष में है और जनता खुशी है। इस बार फिर जीतेंगे, विश्वास है? हाँ, विश्वास है कि मैं जीतूंगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।